वेलकम टू बुंदेलखंड सिस्टर्स। और आज मैंने बनाया है चीज़ गार्लिक ब्रेड, बहुत ही टेस्टी सा। इससे पहले भी मैंने आटा गार्लिक ब्रेड भी बनाई है, वाइट ब्रेड वाली भी बनाई है, तो वो सभी का लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। चलिए देखते हैं कि ये वाली गार्लिक ब्रेड मैंने कैसे बनाई है। गार्लिक ब्रेड बनाने के लिए लिया है मैंने बटर, ये है 3 चम्मच के आसपास बटर, जिसमें मैंने 5 कलियां लहसुन की कद्दूकस किया है, तो वो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ क्योंकि सर्दी ज़्यादा है। तो ये आपको जब भी बनाना हो बटर बाहर ही रखिए, रूम टेम्परेचर में रहे, ताकि अब ऐड कर दीजिए इसमें सीजनिंग, ऐड करिए हरा धनिया और इन सभी को मिक्स कर लीजिए अच्छे से, करिए मिक्स। तो ये हो गया है मिक्स। अब ले लीजिए ब्रेड, ब्राउन या वाइट, तो मैंने लिया है ब्राउन। अब आप पैन को रख दीजिए गर्म होने के लिए और ले लीजिए बटर और इसको अच्छे से ब्रेड में लगा लीजिए। अब एक दूसरी ब्रेड में आपको रख देना है चीज़, मोज़रेला चीज़ है ये मेरे पास, कद्दूकस किया है मैंने। आप क्यूब लेते हैं तो एक क्यूब या 2, जितना ज़्यादा पसंद करते हैं तो 2 क्यूब, इस तरीके से स्लाइस लेते हैं तो 2 या 1 स्लाइस। तो अब हमको इसको सेक लेना है, इसका नोक मैं देख रही हूँ इस तरीके से। तो ये वाला साइड हम लेंगे पैन पे। तो पैन हो गया है गरम, तो जिस हिस्से में बटर लगा है वहाँ रख दीजिए ब्रेड, हल्का सा प्रेस करिए और पैन के ऊपर ही आप इस साइड भी लगा दीजिए अपना बटर। तो ये पलट के भी हम इसको सेक लेंगे। अब इसको पलट देते हैं, एक साइड हो गया था, कवर कर दीजिएगा। इसी तरीके से ये दूसरे साइड भी हम इसको कर लेंगे। गैस मेरी स्लो ही है, को प्रेस कर दीजिए हल्का सा और फिर से कवर कर दीजिए। तो गाइस ये गार्लिक ब्रेड हो गई है रेडी, गैस कर दीजिए बंद और इसको कर लीजिए सर्व। तो ये हो गया है गार्लिक ब्रेड रेडी। इसके अलावा भी मैंने आटा गार्लिक ब्रेड भी कभी वीडियो बनाया, उन सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, अगर आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। ये देखिए है ना एकदम चीज़ी क्रीमी गार्लिक ब्रेड। तो गाइस प्लीज़ रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए बुंदेलखंड सिस्टर्स को, और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। बाय।